श्री कालिका धाम ज्योतिष किशनपुरा जालंधर में साप्ताहिक चंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें धाम के संस्थापक आचार्य इंद्रदेव बबलू पंडित ने फाइन ज्वेलर्स के मालिक टिम्मी से परिवार सहित आहूतियां डलवाई और बताया कि चंडी आराधना करने से हर दुख समाप्त हो जाता है। इस मौके पर उन्होंने बताया कि प्रत्येक शनिवार को शाम 6 बजे से 7 बजे तक चंडी यज्ञ का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर धाम के संजीव शर्मा, रोहित शर्मा, अमित शर्मा, साहिल गग्गू, लक्की, रचना, पंडित पुष्पेंद्र, पंडित विकास, कोमल, गीता, रक्षा, ऋतु, प्रीति, सुमित, बिन्नी, संजय बब्बल सहित असंख्य भक्त जन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जय माता दी। मैं आचार्य इंद्रदेव वशिष्ठ, कालिका धाम ज्योतिष किशनपुरा से आप सभी को, सभी दर्शकों को जय माता दी। भद्रकाली माँ चंडी के आशीर्वाद से कालिका धाम में लगभग अब 2 वर्ष होने लगे हैं। महारानी के आदेश से महायज्ञ किया जाता है माँ चंडी का, जिसमें पंजाब के अलावा भी दूसरे स्टेटों से भी, दूसरे शहरों से भी लोग आकर के महारानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और हमने खुद भी अनुभव किया है कि कई बार महारानी का अगर आशीर्वाद मिलना हो या मिले, देखिए अगर आप किसी भी समस्या से बहुत ग्रसित हैं, दुखी हैं, मन परेशान रहता है, कोई कार्य या कोई उपाय बार बार करते हैं, अगर आप असफल हो रहे हैं बार बार, तो मैं बड़े दावे से कह सकता हूं कि बड़े श्रद्धा से, बड़े भाव से महारानी के चरणों में आकर हाजिरी भरें और माँ चंडी का दुख निवारण यज्ञ में हिस्सा लें। आप देखेंगे चमत्कार कर देने वाले फायदे आपको नजर आएंगे। आपकी आस्था, आपका विश्वास ही आपका जीवन को आगे तक ले जाएगा। इसलिए खास करके आप जालंधर शहर से हैं और जितने भी हलचल के व्यूवर हैं, तो सबके लिए मेरा एक संदेश है कि यहाँ पर बिल्कुल ही निशुल्क अगर आप कोई प्रयोग करना चाहते हैं, जो पूछना चाहते हैं, यज्ञ के बीच में कुछ समझना चाहते हैं, यहाँ पर हर एक चीज़, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, कभी आप आएंगे बैठेंगे यज्ञ में तो सब कुछ वैसे भी पता लग जाता है, आपके बारे में बता दिया जाता है। कालिका धाम ज्योतिष किशनपुरा हर शनिवार को लगभग 6 बजे से लेकर के 7 साढ़े 7 बजे तक महारानी का माँ काली का आवाहन किया जाता है। महारानी के मानने वाले भक्तों, आप सबसे निवेदन है आप भगवती के चरणों में हाजिरी लगाएं और अपने जीवन को हर तरह के कष्टों से मुक्ति पाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं।